back to my channel. How are you guys? Hope you all are fine. I am Lavlina and you watching LT Vlogs. So guys, आज हम शूट करने जा रहे हैं कुकिंग पार्ट 2. कुकिंग पार्ट 1 नहीं देखा जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. So today I am going to make. No guys, today my mom going to make Punjabi style chole bature. Without much much talk, let's get start the video. सबसे पहले हम भटूरे का आटा गूंद देंगे. तो हमने एक कटोरी जितना मैदा लिया और उसको डोंगे में डाल दिया और आधा कटोरी जितनी सूजी ली. फिर हम थोड़ा सा नमक भी डाल रहे हैं और एक चुटकी जितना मीठा सोडा और एक चुटकी जितना ही बेकिंग पाउडर डाल दिया. अब इसको अच्छे से मिला लेंगे. तो अब हमने डाली है थोड़ी सी दही. जितनी हमने सूजी ली थी हम उतनी ही दही ले रहे हैं. और दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए, हमने ये होममेड दही यूज़ करी है. अब हम सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे कि दही जो हमारी है सूखी चीज़ों में मिक्स हो जाए. अब हम थोड़ा सा पानी ले लेके एक सॉफ्ट डो गूंद लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल रोटी का गूंदते हैं पर नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदेंगे. हमारा आटा बिल्कुल रेडी है. अब एक बार हम इसको अच्छे से मसल लेंगे. आपको भटूरे के लिए बिल्कुल ही सॉफ्ट डो चाहिए, आपको बिल्कुल भी हार्ड डो नहीं चाहिए भटूरे के लिए. इसलिए एक बार आप बिल्कुल अच्छे से इसको मसल लीजिए कि आपका डो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए. अब हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है. तो अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा तेल कि आपका जो आटा है वो सूखा बिल्कुल भी ना पड़े. अब तेल डालने के बाद फिर इसको एक बार अच्छे से आप इसके ऊपर कवर अप कर दीजिए एंड एक बार और अच्छे से इसको मसल लीजिए. तुम्हारा डो बिल्कुल रेडी है. अब हम इसको रेस्ट कराएंगे मैक्सिमम 2 घंटा एंड मिनिमम 1 घंटा किसी भी प्लेट से ढककर. तब तक हम छोले की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं. तो हमने एक मिक्सी में प्याज लिए हैं बारीक कटे हुए, थोड़े से लहसुन एंड थोड़ी सी अदरक ली है. अब हम इसको एक बार अच्छे से पीस लेंगे क्योंकि हमें छोले के अंदर हमें ना कोई भी प्याज के से बड़े बड़े पीसेस नहीं चाहिए होते हैं, इसलिए हम इसको अच्छे से पीस लेंगे. हमारा जो प्याज का बिल्कुल प्यूरी है बिल्कुल रेडी है. तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए. तब तक इसे अच्छे से आप पका लीजिए. थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए. अब हमने मिक्सी में टमाटर हरी मिर्च ले लिया है. अब हम इसको ग्राइंड करेंगे एक स्मूथ पेस्ट में अच्छे से. अब हमारी टमाटर प्यूरी रेडी है. हमारे जो प्याज है वो भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. जो हमारा प्याज की प्यूरी थी उसको एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. फिर इसमें हम टमाटो प्यूरी डाल देंगे जो अभी हमने बनाई है, और इसको भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि टमाटर प्यूरी हमारी जो प्याज की प्यूरी थी उसमें मिल जाए. अब आप एक बार इसको अच्छे तरीके से कुक होने दीजिए. अब हम डाल रहे विभिन्न तरह के मसाले, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार लाल मिर्च एंड स्वाद अनुसार गरम मसाला, स्वाद अनुसार सूखा धनिया. और अभी हमने छोले मसाले भी यूज़ कर रहे हैं इसमें, इसको भी आप डाल दीजिए छोले मसाले को भी इसमें. और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें. तो अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, मैक्सिमम आप 2 ग्लास जितना यूज़ कर सकते हैं. अब आप इसको हाई फ्लेम पे कर लीजिए और एक बार इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए. अब आपको करना क्या है, इसको इस पूरे मिक्सचर को आपको बॉइल्ड चिकपीस के अंदर डाल देना है. तो आपको करना क्या है, रात में वाइट चना ले लेना, उसको कुकर में डाल दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और नमक डाल के उसमें 6-7 सीटियाँ आने दीजिए. हमारे आटे ने अच्छी तरीके से रेस्ट कर लिया है. अब हम इसको एक बार अच्छी तरीके से मसल लेंगे. तो अच्छी तरीके से मसल लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको मसलना पड़ेगा कि ये सॉफ्ट रहे, हार्ड ना बन जाए. अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे अच्छे से. इसको आप छोटे छोटे राउंड राउंड लोइयाँ बना लीजिए इसकी. और आपको हमने जो तेल थोड़ा सा गरम करने पहले ही रख दिया है, ठीक है. तो अब हम इसकी लोइयाँ बना लेते हैं. छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए, देखिए सबकी. अब हम सबकी छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं. तो अब हम इसको भटूरे की शेप में बेल लेंगे, यानी कि गोल शेप में. आप इसको अच्छी तरीके से बेल लीजिए. तो आपको ज़्यादा ना मोटा भी नहीं करना और ज़्यादा. तो अब हमने सारे भटूरों को अच्छी तरीके से बेल लिया है. तो अब हम भटूरों को तलेंगे.
तो चलिए, तो अब आप देख रहे हैं कितना बटूरा अच्छी तरीके से फूल रहा है, कितने अच्छी तरीके से फूल रहा है। तो आपको ना बटूरा तलते वक्त एक बात ध्यान रखनी है कि तेल बटूरों के ऊपर आप डालते रहिए। हमारे छोले भी लगभग बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हैं। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी भाप निकल रही है छोलों के अंदर से। काश आपको मैं खुशबू भी सुंघा पाती, बहुत अच्छी आ रही है। छोले भटूरे रेडी हो गए हैं, अब करेंगे इसको टेस्ट। पर ये बहुत गर्म है, अभी दिखाती हूँ कितना गर्म है। देखो पूरा भाप छोड़ रहा है गाइस। अभी पता है भटूरा भी बहुत गर्म है, बहुत स्लाइटली बहुत सॉफ्ट है। अब हम करेंगे इसको टेस्ट, तो हा, कितने गर्म है ना ये लिटरली, तो बहुत गर्म है गाइस। अब हम इसको करेंगे टेस्ट। Thank you for watching the video. Hope you enjoyed that video. If you really enjoyed that video, do like, share with your friends, subscribe my channel. Do lovely comment in the comment box. Till the next video, stay home, stay safe, and bye guys.